तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर इंडिया ए ने पहले अनऑफिशियल टेस्ट मैच के पहले दिन रविवार को ऑस्ट्रेलिया ए की पहली पारी को 243 रन पर समेट दिया। इंडिया ए ने दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 12 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 41 रन बना लिए हैं और वह अभी मेहमान टीम के स्कोर से 202 रन पीछे है, जबकि उनके पूरे 10 विकेट शेष हैं। रवि कुमार समार्थ 37 गेंद पर एक चौके की मदद से 10 और मयंक अग्रवाल 35 गेंदों पर 7 चौके की मदद से 31 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ए ने बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ए की टीम उस्मान ख्वाजा के बेहतरीन शतक के बावजूद 243 रन ही बना सकी। ख्वाजा ने 228 गेंदों पर 20 चौके जड़े। मार्नस लफसुंजा ने 105 गेंदों पर 11 चौके लगाए और 60 रन की पारी खेली। कुटिस पैटरसन ने 31 रन का योगदान दिया। मेहमान टीम के 7 बल्लेबाज दोहरे अंकों में भी नहीं पहुंच सके। सिराज के अलावा कुलदीप यादव ने 63 रन पर 2 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज ने 59 रन देकर ऑस्ट्रेलिया के 8 खिलाड़ी आउट किए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इंडिया एक के लिए सर्वोच्च प्रदर्शन है। इससे पहले जयदेव उनादकट ने 2010 में वेस्टइंडीज ए के खिलाफ लिस्टर में 7 विकेट लिए थे, जबकि राहुल सांधवी ने 1998 में वेस्टइंडीज ए के खिलाफ बेंगलोर में 7 विकेट और भगव भट्ट ने 2013 में शिमोगा में वेस्टइंडीज ए के खिलाफ 7 विकेट का प्रदर्शन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।